हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नीति गुप्ता। हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर 15 लाइट। वो मैंने एनसीईआरटी से और डीएवी पब्लिकेशंस दोनों से खत्म कर दिया था स्टूडेंट्स, और मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा रही थी। बट जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो करा दिया है आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में, जो मैंने इससे पहले लाइट की वीडियो डाली थी। बट स्टूडेंट्स, एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सब उसी पे बेस्ड है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इन थ्योरी। बस उसी का क्वेश्चन बना के दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बीच में डिफरेंस बताइए, रियल इमेज अगर हमें बनानी है तो कौन से मिरर से बनेगी ये बताना है, वर्चुअल इमेज बनानी है तो कौन से लेंस से बनेगी, एक एक यूज लिखना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन इस पे भी बेस्ड है कि जो प्लेन मिरर है, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग प्लेन मिरर में अपनी इमेज देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम प्लेन मिरर में अपनी इमेज देख रहे हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है, जितना दूर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, इमेज और मिरर के बीच में उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। आई होप आप लोगों को याद होगा, आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मे बी यस आप लोगों को वैसे भी याद होगा कि जो प्लेन मिरर में हम लोग अपनी इमेज देखते हैं तो डिस्टेंस सेम होता है। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि लेट सपोज कि हम लोग मिरर से 4 सेंटीमीटर और 4 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, मीटर तो चलो छोड़ो, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं हम लोग मिरर से, एंड अगर हम 4 सेंटीमीटर की जगह पे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हुए तो फिर इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? तो ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर ही होगा। या 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हो गए अगर, तो फिर कितना होगा डिस्टेंस? 5 सेंटीमीटर होगा इमेज और मिरर के बीच में, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये है। अब और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि देखिए, वैसे तो जो रियर व्यू मिरर में और साइड मिरर में हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज हमें चाहिए होती है, सेम साइज की इमेज हमें नहीं चाहिए होती। बट इसमें एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये दे रखा है कि लेट सपोज कि रियर व्यू मिरर जो है वो है प्लेन मिरर का बना हुआ, ठीक है। अब जो कार चल रही है वो चल रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब यहां पे हम देखते हैं स्पीड ऑफ कार जो है वो है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पीछे जो ट्रक है उसकी जो इमेज बन रही है वो किस स्पीड से बनेगी, किस स्पीड से उसके साथ साथ आगे चलेगी? तो मे बी आई डोंट रिमेम्बर स्टूडेंट्स कि मैंने आप लोगों को पहले ये पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, या मे बी डू यू नो, या फिर नोट में मैंने आपको पढ़ाया दिया होगा कि जब भी प्लेन मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट, जब सपोज करो कि ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड की उससे आगे जा रहा है स्पीड से, तो उसकी जो इमेज है वो इंटू 2 की स्पीड से आगे जाएगी, ठीक है। मतलब कि उसकी डबल स्पीड से इमेज चलती है जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा होता है। तो यहां पे अगर हम लगाएं तो 2 मीटर पर सेकंड होगा यहां पे जो हमने लेट किया, बट क्वेश्चन के हिसाब से स्पीड ऑफ कार इतना है तो फिर स्पीड ऑफ ट्रक जो है वो कितना होगा? ऐसे लिखते हैं 2 into 2 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स, जो यूजेस पूछे हुए हैं कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर में, वो मैंने दो दो वीडियोस में पढ़ाए हुए हैं पहले। देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालना, चलो मैं डाल दूंगी उन दोनों वीडियोस का, ठीक है। बट प्लेलिस्ट रिव्यू करो, उसमें एनसीईआरटी का हर एक सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। देखो, सोल्यूशन मैं करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन चीज क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन तो क्वेश्चन का आंसर आपको विदंतु पे भी मिल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आप लोगों को होनी चाहिए जो आपको वीडियो देख के होगी।
ठीक है, तो अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आंसर्स तो यूं होते चले जाएंगे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि देखो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। स्टूडेंट्स एक काम करो कि ना मिरर और लेंस का हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि किसमें रियल इमेज बनती है और कौन से वाले और वो मिरर में या लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल इमेज एक तो कॉन्वेक्स लेंस में बनती है और रियल इमेज कॉनकेव मिरर में बनती है। वेट, यहां पे कॉन्वेक्स मिरर में एक तो बनती है और रियल इमेज यहां पे कॉनकेव मिरर में बनती है, एंड वर्चुअल इमेज मैंने क्या बोला था, ऑल्टरनेटिव कॉन्वेक्स मिरर मतलब कि कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स देखो अब कि या तो लेंस का एक वो याद कर लो कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनती है और कॉनकेव में वर्चुअल बनती है, तो उसका ऑल्टरनेटिव मिरर में होगा, या फिर तो मिरर का याद कर लो कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है और कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है, फिर इस तरीके से ऑल्टरनेटिव याद कर लो, क्योंकि अगर दोनों चीजें याद करोगे एक साथ तो फंस जाओगे, ठीक है। फिर मिरर और लेंस में होगी कंफ्यूजन कि भाई क्या लेंस था या मिरर था, वो भाई जल्दी जल्दी में एकदम से पेपर में होता है ना कि यार लेंस था मिरर था याद ही नहीं आ रहा है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो दोनों में से कोई सी भी एक चीज याद कर लो, या तो ऐसे याद कर लो कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो तो बनाता ही वर्चुअल इमेज है, तो फिर कॉनकेव मिरर क्या बनाएगा, रियल इमेज ही बनाएगा, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर अगर रियल इमेज बनाता है तो ऑल्टरनेटिव में कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा और कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। ये याद करने का तरीका है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे बच्चे कि कॉन्वेक्स मिरर बनाता है वर्चुअल इमेज या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, मिरर और लेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है याद करने का तरीका। अब दोनों चीजें याद कर लोगे तो फंसोगे, बट या तो मिरर के दोनों केसेस याद कर लो या लेंस के दोनों केसेस याद कर लो, या बस ये याद कर लो कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है तो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल बनाएगा, फिर उसका ऑल्टरनेटिव एंड देन उसका ऑल्टरनेटिव लर्न कर लो। तो स्टूडेंट्स पूरी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसमें बस यही दे रखा है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के ऊपर। आई होप आप लोग ये सब कुछ कर लोगे। और एक क्वेश्चन और है उसमें मैच द फॉलोइंग का स्टूडेंट्स, तो मैच द फॉलोइंग के लिए मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि उसमें केसेस दे रखे हैं, मैंने पढ़ाए हैं सारे केसेस पढ़ाए हैं और प्लस मैंने सारे यूजेस भी बताए हैं, वहां से पहले वीडियो से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, सॉल्यूशंस तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है कि आप लोगों को कोई आंसर नहीं लिखना आ रहा या मे बी कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सो स्टूडेंट्स बाय चांस कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों वीडियो नहीं बनाऊंगी। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, बट ये जो भी मैंने वीडियो में समझाया ये है स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 13, इसमें वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा कि जब ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से आगे जा रहा है तो जो उसकी इमेज होगी वो डबल स्पीड से आगे जाएगी, ओके। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स ये भी याद रखना, यूजेस में कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को दो वीडियो में यूजेस पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि 9th 10th में भी लाइट चैप्टर है और अगर आप 11th 12th में भी साइंस लोगे तो फिजिक्स में तब भी लाइट चैप्टर आएगा, तो
इट्स बेटर कि आप अपने लाइफ के कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर करते हुए चलो, ठीक है? सो थैंक यू.